पर आज हम जिस इन्फ्लुएंसर की बात करने जा रहे हैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था टिपिकल स्टीरियोटाइप डिड नॉट अप्लाई ऑन हर शी वॉज अ गुड फ्रेंड अ नाइस वाइफ अ केयरिंग मदर पर रिवेंज के चक्कर में उन्हें अपनी जिंदगी से

Let's learn a little more about today's case revolving around Abby Choi. Abby Choi was born on 15th July. 1994 इन हांगकांग एंड एबी का जन्म एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में हुआ था एबी के फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे और एबी की मॉम के भी कहीं सारे बिजनेस थे जो कि कलेक्टिवली चॉय फैमिली को टॉप 10% में ले जाती थी एंड एबी हैड ऑल ऑफ दिस वेल्थ टू कैरी फॉरवर्ड एज वेल वो इनिशियली एक इन्फ्लुएंसर एंड एक सोशलाइट बनकर अपने बिजनेस में आई थी पर जैसे-जैसे एबी जैसे, बड़ी होती गई उसने मार्केटिंग रियल एस्टेट, फूड कॉर्नर्स ऐसे बिजनेस करना शुरू कर दिया एंड वेरी वेरी शी और हर फादर्स वेल्थ एट अ यंग एज आई मीन एबी के पास अपने घर वालों का पैसा तो था ही पर वो बस अपने पैसे से ही इधर उधर घूमती थी उसकी इंस्टाग्राम पिक्स देख कर तुम्हे भी ये समझ आ सकता है कि ऐसा आदमी जो हमेशा बस लोहटन गुच्छी प्राड़ा और भी पता नहीं कितने महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनता है जिनके जनरली नाम मुझे पता भी नहीं है तो एक ऐसा आदमी कितना अमीर होगा यू कैन दैट थिंग वो बहुत सारे फैशन इवेंट्स अटेंड करती थी और बस चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एंड इन माय ओपिनियन शी हैड अ ग्रेट आई फॉर फैशन जिसकी मदद से उसने कहीं सारे फैशन मैगजीन्स में भी अपेयरेंस दी थी सो वी नो दिस थिंग कि शी हैड हर फैमिली वेल्थ शी हैड हर वेल्थ आल्सो एंड जो भी वो ये इन्फ्लुंसर वाली चीज़ें करी थी उससे भी उसे पैसा मिल रहा था जिसकी मदद से वो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकती थी एक दिन वो लंडन में होती तो दूसरे दिन वो ग्लोब के किसी और कोने में शी वॉज लिविंग हर लाइफ टू द फुलेस्ट

हेयर मिक्सचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलता है किसी भी इन्फ्लुएंसर में बिकॉज शी वॉज रिच शी वॉज कैर एंड शी वॉज एन एस्ट एक लाइक ईसागी सो इतनी सुंदर लड़की इतनी फेमस लड़की राइट वो सिंगल तो नहीं हो सकती है एंड दैट इज़ ट्रू एबी का एक बॉयफ्रेंड था जो उसका सच्चा प्यार था और ट्वेंटी में ए ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से शादी भी कर दी थी जिसका नाम था chris Tam. moving forward in this video i'm going to apologize if i pronounce the name wrong chinese names are so hard and i cannot say ph and s like simultaneously modular list so it will be hard for me but i will try my best chris is the son of the founder of chain restaurants and hong kong listed company एम जाय इंटरनेशनल जो कि हॉन्गक की, की सबसे बड़ी नूडल एंड सुप फ्रेंचाइजेस में से एक है क्रिस एंड एबी एक दूसरे को बचपन से जानते थे एक तो फैमिली की वजह से बिकॉज दे बोथ और रिच एंड वर्किंग टूगेदर एंड सेकेंडली ये भी था कि क्रिस और एबी सेम स्कूल में जाते थे पर जब वो दोनों स्कूल में थे तो उन्होंने कभी डेटिंग की बातें नहीं करी थी देर वेरी यंग बट इवन इन दैट एज होता एक थोड़ा सा अट्रैक्शन वो भी नहीं था उन दोनों के बीच में वो बस दोस्त थे जो बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे एंड स्कूल के बाद द ड्रिफ्टेड अ पार्ट बट फेथ की वजह से दे केम बैक टूगेदर दे फेल इन लव एंड दे हैड अ वेरी ब्यूटिफुल वेडिंग सेरेमनी इन ट्वेंटी सिक्सटीन और वेडिंग सेरेमनी के बाद क्रिस और एबी के दो बच्चे भी हुए थे साथ में जिन्हें वो, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अकॉर्डिंग टू क्रिस एबी वॉज अ ग्रेट मदर एंड ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर हर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि एबी उसकी लाइफ में आई इवन दो एबी ट्रैवलिंग में और फैशन शोज में इतना ज्यादा बिजी रहती थी फिर भी वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालती ही थी शी वॉज वेरी क्लोज टू क्रेसिस फैमिली एज वेल क्रिस के मॉम एंड डैड को तो ऐसा लगता था वो उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी ही बेटी है शी वॉज द डॉटर दे नेवर हैड एंड एबी क्रिस और क्रिस की फैमिली इनके चार बच्चों का ध्यान रखते थे बट वेट ए सेकेंड क्रिस और एबी के तो दो बच्चे थे तो ये दो और बच्चे कहाँ से आए इसमें वेल दिस इज वेयर मोर पीपल कम इन टू दिस केस अभी तक तुम्हें इतनी चीज समझ आ जानी चाहिए कि एबी का बॉयफ्रेंड था क्रिस दोनों ही बहुत ज्यादा वेल्दी थे क्योंकि एबी तो इन्फ्लुस थी ही उसकी तो मार्केटिंग थी ही पर क्रिस भी चाइना के टॉप टेन परसेंट में था बिकॉज ऑफ इस फ्रेंचाइजी उसकी फूड की फ्रेंचाइजी थी उसके पापा के साथ उसकी वजह से एंड क्रिस के जो पेरेंट्स थे वो तो अमीर थे ही पहले से और इनके दो बच्चे भी थे तो so ये फैमिली देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी एंड दैट थिंग इज ट्रू उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं थी ऐसा कुछ भी नहीं था डोंट गेट माई वर्ड इंग रॉन्ग बट यहाँ पर एक बात थी कि यस yes, क्रिस और एबी की वेडिंग सेरेमनी हुई थी पर वो दोनों लीगली मैरिड नहीं थे रीजन क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों था बट इट डज नॉट मैटर आई थिंक अदर देन पेपर्स वो दोनों एक परफेक्ट कपल थे वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जैसे कि मैंने बताया कि एबी क्रिस की फैमिली के टूअर्ड भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मैरिज कहीं सारे लोग लीगली शादी करने के बाद भी इतने सालों तक खुश नहीं रहते हैं अपनी शादी में सो आई थिंक एबी एंड क्रिस देर वे फॉर हेड देनी उनके चार बच्चे थे ठीक है और दो क्रिस के साथ हुए थे एबी के तो जो ये दो और बच्चे थे वो एबी के एक्स हसबेंड के थे सो so ये दोनों बच्चे एबी की पिछली शादी से आए थे जब एबी बस अट्ठारह साल की थी सो इन टू थाउजेंड ट्वेल्व एबी ने अपने देन बॉयफ्रेंड एलेक्स अपनेंग से शादी कर ली थी दे बोथ इन यंग लव एंड दोनों सेम एज के थे और उस समय दोनों को ही सेम चीजें चाहिए थी सो दे दे बोथ बोथ डिसाइडेड टू मैरी व्हेन वर 18 एंड एलेक्स के साथ ही एबी के दो बच्चे हुए थे नाउ दे बोथ वर यंग एंड इतनी जल्दी शादी करना बहुत ज्यादा अजीब बात होती है चाइना में भी बट सरप्राइजिंगली एलेक्स के घर वाले इस बात से बिल्कुल ही ज्यादा सहमत थे आई मीन एलेक्स 18 एज वेल well. पर उन्होंने उसे फिर भी रोका नहीं इतनी छोटी उम्र में शादी करने के लिए बट देर मेन कंसर्न वॉज देयर फैमिली स्टेटस चाइना में ये बहुत ज्यादा होता है मैरिंग इन द सेम स्टेटस फैमिली अमीर लोग अमीर लोगों से शादी करते हैं मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास लोगों से शादी करते हैं एंड एंड सो 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 ऑन फोर्थ इवन दो दे वर लिटिल हेजिटेंट अबाउट कि ओ हम तो मिडिल क्लास से हैं और उनके घर में प्रॉपर इनकम भी नहीं थी उस टाइम पर क्योंकि एलेक्स के डैड क्वान खाओ पहले पुलिस ऑफिसर थे पर उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था पर एबी को इन बातों से कि ये फैमिली मिडिल क्लास है या फिर इनके घर में कोई भी काम नहीं करता है या या फिर इनके पास एक प्रॉपर घर रहने के लिए भी नहीं है एबी को इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था उससे बस एलेक्स से प्यार था सो so उसने ये क्लास व्लास ऐसा कुछ नहीं देखा एंड शी जस्ट एक्सेप्टेड है एंड शी जस्ट डिन एक्सेप्ट एलेक्स शी एक्सेप्टेड हिज होल फैमिली एबी एक तरीके से एलेक्स की पूरी फैमिली को पाल रही थी एलेक्स का भाई एंथनी कुंग जब उसे जॉब से निकाल दिया गया था तो एबी ने उसे एज अ ड्राइवर अपने साथ काम पे रख लिया था एंड शी वॉज पेइंग हिम वे मोर देन वट अ ड्राइवर गेट्स इन चाइना ठीक है एक साल में जो एक ड्राइवर की इनकम होगी उससे भी ज्यादा वो उसे पे करती थी एक महीने के लिए एबी ने एलेक्स से शादी करने के बाद खुआंग की पूरी फैमिली को एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस घर खर खरीद के दिया था हमेशा के लिए रहने के लिए वो भी फ्री में चार में सबसे पहला एलेक्स खुआंग जो की एबी का एक्स हजब था सेकेंड वॉज एलेक्स एस ब्रदर जो की एबी को अपनी बहन जैसा मानता था एंथनी खुआन कम्स खुआंग एनजेनी ली जो कि एलेक्स के पेरेंट्स थे खुआंग फैमिली तो मैं समझ आ गई होगी आई थिंक सो चार मेंबर्स हैं इसमें दो बेटे और माँ बाप एलेक्स और एबी का जो डिवोर्स था उसका रीजन पता नहीं है अभी लेकिन देर रिलेशन वर वेरी गुड इवन आफ्टर देर डिवोर्स दे यूज टू तो रेगुलरली मीट रेगुलरली हैंग आउट रेगुलरली ईट फूड स्पेसिफिकली एबी और एंथनी जो एलेक्स का भाई था वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे शादी के बाद एंथनी और एबी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे यू नो बिकॉज ही वॉज वर्किंग ना सो वो उसे हर एक दिन देखता था एंथनी और एबी के रिलेशनशिप बाहर से बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी वो उन दोनों की साथ में फोटोज पोस्ट करता था एस एन एस पे और कभी कभी एबी भी एंथनी को पोस्ट कर देती थी इट वॉज ऑल गुड और ऐसा नहीं था कि एलक्स वॉज जेलस ऑफ दिस क्लोजनेस वो अभी भी अपने एक्स हजबेंड के साथ कॉन्टैक्ट में थी वो उनकी पूरी फैमिली के साथ डिनर करती थी उन्हें ट्रिप्स पर भेजती थी और अपने करंट हस्बैंड के घर में भी वो उन्हें इनवाइट करती थी सो द सिचुएशन वाज कि एबी का एक्स हस्बैंड एलेक्स उसके करंट हस्बैंड क्रिस के साथ घुल मिल गया था विच आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट दिस थिंग बट इट मेक्स मी फील वेरी वेयर मैं तो कभी अपनी एक्स से बात भी ना करूँ एंड हेयर दे वर जस्ट हैंगिंग आउट टुगेदर आई एम ट्राइंग टू इमेजिन दिस थिंग कि क्रिस इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचता होगा सबसे पहले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्लैश बीवी का एक्स हस्बैंड घर आता है उसके ऊपर से तुम उसके बच्चे अब अपने बच्चों के साथ पाल रहे होता so नहीं प्रोवाइड करा थाउजेंड नाइनटीन सो जस्ट बिफोर कोरोना अपने करा, जिसकी कॉस्ट थी नाइन मिलियन यू एस डॉलर एंड ये फ्लैट उसने अपने एक्स फादर इन लॉ खुआंगाओ हाँ के नाम पर लिया था द रीजन um, in बाइंग दिस फ्लैट इन खुआ खाउस नेम कि जो एबी का पोर्टफोलियो था उसमें मल्टीपल लैंड्स थे मल्टीपल लैंड मल्टीपल फ्लैट्स थे तो अगर इसके ऊपर से वो एक नौ मिलियन यू एस डॉलर का घर और लेती तो शी वैन टैक्स अलॉट इसी लिए शायद से उसने खुआ खाओ हाँ के नाम पर यह घर लिया था बट वेर दिस थिंग इन माइंड शी वॉज पेंग फॉर एवरी थिंग खुआंग हो या फिर फैमिली से किसी के भी जेब से एक भी रुपये नहीं जा रहा था इस घर के लिए रहने के लिए क्या फैमिली से एक भी रुपए किसी भी चीज के लिए नहीं जा रहा था इसके बाद यहाँ रहने के लिए एबी ने उन्हें प्रोवाइड करा था इवन दो अब खुआंग फैमिली की लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो गई थी एंड दे हैड मोर एक्सपेंसिस नाउ बट एबी बींग एसे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था इतने महंगे घर में ऐसी लाइफ स्टाइल में फ्री में रहने के लिए वो भी चाइना में इंडिया के प्राइस हाई कितने ज़्यादा स्वेयर हैं तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो चाइना में कितने ज़्यादा स्वेयर होंगे प्राइस हाई बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी नाइस चेस्टर फ्रॉम एबी इट्स नॉट अ नाइस चेस्टर राइट इट इज़ वे बियॉन्ड द नाइस चेस्टर ओनली नाइस चेस्टर मतलब ये होता है कि कभी पकौड़े दे दिए कभी मिठाई खरीद के दे दिए सो या इट वॉज अ नाइस चेस्टर फॉर आर फैमिली जिसके साथ टू बी ऑनस्ट उसके अब कुछ ऐसे रिलेशन नहीं थे या दे हैड गेट्स टुगेदर बट वर डिवोर्स नाउ एंड इस बात को काफ़ी ज्यादा टाइम हो गया था सो एबी डिड नॉट हैड एनी कंपल्शन ऑन हर अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं भी करती तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बट शी डिड इट एनी एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग हर आदमी की कंडीशन हर रिलेशनशिप में अलग अलग होती है सो इफ इट वर्क आउट फॉर देम देन इट वर्कड आउट आई गेस अब एबी के थ्रू खुआ्स टैम फैमिली को भी जाने लग गए थे वो क्रिस्की फैमिली के साथ भी अब खुलने मिलने लग गए थे जैसा कि मैंने बताया कि एलेक्स तो एबी के नए बॉयफ्रेंड के साथ फ्रेंड्स था ही पर काओ और ली भी टैम्स के साथ ट्रिप्स पर जाते थे एंड धीरे धीरे ये दोनों फैमिलीज़ काफ़ी गहरे दोस्त बनने लग गए फॉर टैम्स क्वांग्स वर लाइक एक एन एक एक्सटेंडेड फैमिली वो उनका इतना केयर करते थे एंड जब भी कोई सिचुएशन आती थी टाइम्स के लाइफ में तो ओपिनियन लेवांग्स ले के, ले के पास जाते थे नो इवन दो आई डू फाइंड दिस सिचुएशन वेरी इफी अभी तक हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है इन दोनों फैमिलीज के रिलेशन के बारे में सो इट इज़ सेड दैट क्रिस के डैड खुआंग खा को पहले से जानते थे बिकॉज यू नो ही वॉज एन एक्स ऑफिसर एंड इट इज ऑल्सो सेड कि क्रिस एंड एलिक्स जो कि एबी का एक्स हस्बैंड था वो दोनों पहले से ही दोस्त थे बट सीरियसली अभी हमें इन दोनों फैमिलीज के रिलेशन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है सो दर इज़ नो नीड फॉर स्पेक्यूलेशन

अपने फ्री टाइम का हर एक सेकंड बस बच्चों को ही देती थी उन्हें स्कूल से पिक करती थी उन्हें घर ड्रॉप करती थी एंड एंथनी क्वॉंग तो एबी के साथ हमेशा रहता ही था तो वो भी एबी के साथ इन बच्चों का ध्यान रखता था और उन्हें पिक करने जाता था और यही सेम चीज ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी को भी हुई थी एंथनी कार से एबी को लेने आया था ताकि वो स्कूल से बच्चों को उठा सके ये बच्चे एलेक्स और एबी के थे एंड ये रूटीन एबी के लिए एकदम नॉर्मल था एंथनी का एबी को पिक करना और स्कूल ले जाना सो so उसने बिना किसी सेकंड थॉट के गाड़ी में बैठना सही समझा बट दी अनयूजल थिंग ऑन दिस डेट वॉज कि गाड़ी के थोड़ा सा आगे जाने पर एबी के एक्स फादर इन लॉ खुआ खाओ भी इस गाड़ी में एबी के साथ बैठ गए थे जिसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता बट एबी कभी भी स्कूल नहीं पहुंची थी उस दिन नो no, हो ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था कि एबी प्रॉमिस करे कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक करूंगी और वो इस बात को पूरा ना करे शी लव्ड हर किड्स दैट मच कि वो अपनी जान भी दे देती बच्चों के लिए तो स्कूल से पिकअप करना तो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात थी इसलिए जब शाम तक एबी घर नहीं पहुँची तो एबी की करंट मदर इन लॉ ने एबी के बच्चे को स्कूल से पिक करवाया और एबी के मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करवा दी नाउ बिकॉज एबी वॉज दिस हाई प्रोफाइल रिच पर्सन सो ये इन्वेस्टिगेशन सीधा शुरू हो गया और पुलिस ने शुरुआत करी एबी के क्लोज अप्रॉक्सिमेटी में जितने भी लोग थे सो देस्टिगेटिंग कोऑपरेटिव पुलिस वो उन्हें हर एक चीज बता रहे थे और जितनी भी मैंने अभी सीसी वाली फुटेज तुम्हें तो दिखाई थी वो भी टाइम्स ने ही प्रोवाइड करी थी और बाद में ये सीसी फुटेज लेकर और, और भी कुछ फोटोज लेकर पुलिस ने इन्हें मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना जब पुलिस टैम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी तो उन्हें कुछ बातें पता चली पुलिस को पता चला कि एलेक्स खोंग ने एबी की मदर इन लॉ को पुलिस में कॉल करने के लिए मना करा था और जब एलेक्स को यह पता चला कि उन्होंने पुलिस को कॉन्टैक्ट कर दिया है तो एलेक्स ने उन पर बहुत चिल्लाया एंड हिज रीजन फॉर दिस एंगर वॉज कि हमें कल तक रुक जाना चाहिए था देखना चाहिए था कि एबी कहीं किसी काम से बाहर तो नहीं गई है पुलिस जब टाइम से क्वेश्चन पूछ रही थी तो वो लोग सीधा सीधा आंसर दे रहे थे और बहुत ही बातें कर रहे थे झूठ बोल रहे थे एंड कोऑपरेटिव भी नहीं थे पुलिस के साथ जिसकी वजह से पुलिस का सस्पेशन इस पूरी फैमिली पर बढ़ चुका था एंड पुलिस से बात करने के सीधा बाद ये चारों फैमिली मेंबर वहां से बहुत जल्दी चले गए थे सो पुलिस दे डिगिंग इन टू देयर पास उट जो चीजें उन्हें पता चली उससे पुलिस भी हैरान थी खुआ में सब ही के नाम पुलिस में दर्ज थे लड़कियों को फेक products और गोल्ड बेचता था वो उनके साथ हु करता और फिर उन्हें ये स्कीम्स बेचकर बताता कि देखो मेरे पास कितना पैसा है मैं कितनी अमीर जिंदगी जीता हूँ एंड दिस थिंग वॉज प्रूवन राइट बिकॉज ऑफ एबीज़ मनी जितनी भी चीज़ें एलेक्स क्वांग ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट करी थी वो सब कुछ एबी के मनी से आया था तो जिन भी लोगों को एलेक्स की स्कीम बेचता उन्हें विश्वास हो जाता फिर इन लोगों का पैसा लेकर एलेक्स उन्हें डॉच कर देता था ही वॉज ऑल्सो अ क्रिमिनल जिसे पुलिस ट्वेंटी फिफ्टीन से ढूंढ रही थी पर उसने अपने डैड की हेल्प से अपना नाम दबा दिया था एनलि एलेक्स ने कहीं बार मल्टीपल ओकेजन्स पर चोरी भी करी थी बस छोटी मोटी चोरी नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर अ मिलियन डॉलर्स हेयर जेनी ली ने 2017 में बिजनेस फॉल ऑफ की वजह से बैंक के लिए फाइल कर दिया था एंड शी वॉज एलिजिडली ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम स्कैम्स जो कि उसने एलेक्स के साथ करे थे एंथनी को बैंक 2019 से ढूंढ रही थी क्योंकि उसने अपना लोन नहीं चुकाया था एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट दिस मनी बैक फ्रॉम एवीज मदर इन लॉ पर इस प्लान में सबसे बुरा इंसान और इस पूरे प्लान का मास्टर था खुआंग खाओ बैक वन ही खुआ खाओ ने एक कॉमनर को रेप करा था जब ये लड़की पुलिस स्टेशन आई थी ख्वाग खाओ से हेल्प मांगने के लिए एंड ये चीज़ उसने कहीं लड़कियों के साथ कहीं बार करी थी इसलिए 2005 में ख्वांग खाओ को पुलिस से फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा था जब पुलिस को ये सारी की सारी डिटेल्स पता चले तो उनका पूरा शक खोंग्स पे चले गया ये बोलकर कि एबी अब मर चुकी है और खोंग्स ने ही एबी को मारा है बट दे आखिर ऐसा क्यों हुआ वेल well, अपेरेंटली जो अपार्टमेंट एबी ने खोंग्स के लिए खरीदा था वो उसे बेचना चाहती थी स्पेसिफिक्स नहीं पता हमें बट जब एबी ने अपने लॉयर से बात करी तो शी फाउंड आउट कि हा, ये हाँ ये अपार्टमेंट खोंग खाओ के नाम पर तो है पर क्योंकि वो यहाँ के पूरे पैसे भर रही थी तो वो इस अपार्टमेंट को कभी भी बेच सकती थी जिसके बारे में जब एबी ने खुँंग्स फैमिली को बताया तो दे वर नॉट हैप्पी विद इट एबी ने ये प्रॉमिस करा खुवागस को कि वो उन्हें एक नया घर खरीद के दे देगी पर वो घर इतना महंगा नहीं होगा विच मेड ख्वांग्स अनहैप्पी और ये सुनने के बाद इन बैक ऑफ देयर हेड दे स्टार्टेड स्कीम समथिंग समे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है ये हमें फ्री के पैसे कैसे दे सकती है ओके okay, सीरियसली उन्हें लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी थी एंड दी होल फैमिली लीचर्स ओनली तो तुम्हें तभी समझ आ गया होगा अभी तक एंड बिकॉज दे वर लीचर्स वो इस फ्री की चीज को ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे ख्वाग खान ने अभी से कहा कि अगर तुम इस अपार्टमेंट को बेचोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ही थ्रेटेड हर फॉर एन अपार्टमेंट जो कि उस ही ने दिया था उन्हें बट एट दी एंड अभी ने अपार्टमेंट लिस्टिंग के लिए डाल दिया था एंड ख्वांग्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ओके खुआंग खाओ ही साउंड लाइक अ विलन राइट उसने सारा मास्टर प्लान बनाया था उसने अभी को ऐसे धमकी भी दी थी पर इस आग में थोड़ा सा और घी डालने के लिए मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ख्वांग खाओ वॉज चीटिंग ऑन हिज़ वाइफ ख्वांग खाओ की एक मिस्ट्रेस थी जिसके साथ वो अपनी बीवी पर चीट कर रहा था छ महीने से एंड इस लेडी का नाम था मिस इंग ची अं उसका नाम से छी सो ची एक स्पा में मसाज करती थी और ख्वांग स्पा में डेली बेसिस पर आता था जहां उसने अपनी मसूस पे लाइन मारना शुरू कर दिया था विच इज़ अगेंस्ट अल लॉ बाय द वे तुम लोग अपनी मसूस को इन अप्रोप्रेट वे में नहीं छू सकते हो दे कैन डू लीगल केस ऑन यू बट एनीस काओ ने छी पर मूव मारने शुरू करे एंड नोइंग दिस थिंग कि काओ एक रिच बुड्ढा है इंग ची ने भी ये सब बस होने दिया एंड यो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुए काफी करीब आ गए थे हैप्पी कि एक अमीर आदमी अब मेरा ध्यान रखेगा और वो फाइनली इस मिडिल क्लास लाइफ से बाहर छूट पाएगी पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से फरवरी 2023 में क्वांग काउ ने एक प्लान बनाया चॉइस है बदला लेने का प्लान क्वांग काउ ने इंगी से दो प्रॉपर्टीज रेंट करवाई उसके नाम पर पहली लुग मीत फ्लैट थी जहां ये लोग अपना बदला लेना चाहते थे ये कॉमनर और टू तो बी मोर प्रिस मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए अपार्टमेंट थे जहां रेंटिंग करने पर ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी एज दिस प्लेस इज एन आउट ऑफ स्कर्ट्स ऑफ हॉन्ग कॉन्ग इसक कोंगाउ ने अपना क्राइम यहाँ करना चाहा था कुंकाओं ने इस अपार्टमेंट में एंटर होने वाले एरियाज पर से मैट हटा रखे थे ताकि उसे हर एक आदमी की चलने की आहट आ जाए और उसने विंडोज पर ब्लैक प्लास्टिक बैग्स भी लगा रखे थे ताकि कोई भी इस अपार्टमेंट के अंदर झांक ना सके इस अपार्टमेंट के नेबर्स के अकॉर्डिंग क्वॉंग खावर की फैमिली यहाँ कहीं हफ्तों से आ रहे थे स्पेसिफिकली उन्होंने एंथनी और रिंग ची को इस अपार्टमेंट में आते हुए देखा था और वो अपने साथ कहीं सारे डब्बे बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग रेन और, और एक बहुत बड़ा फ्रिज भी अपने साथ लेकर आए थे और जो उनका सेकेंड अपार्टमेंट था वो था आर्क स्काई टावर में ये अपार्टमेंट इनके स्केप के लिए जगह थी जब खुआ फैमिली एबी चोए को मार देते नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेशन दैट आई गैदर फ्रॉम अ चाइनीज़ वेबसाइट एंड ऑब्वियसली मैं चाइनीज नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था बट देअर माइट बी सम सम हिकअप्स हेयर एंड समय इन द टर्म्स ऑफ स्टोरी सो प्लीज़ वेर द थिंग इन माइंड सो जैसा कि मैंने बताया ऑन ट्वेंटी फर्स्ट फेबर ऑफ़ दिस ईयर एबी हमेशा की तरह एंथनी के साथ अपने बच्चे पिक करने जा रही थी ये लास्ट इमेज है अभी की जिसमें वो अनबॉडर्ड लग रही है एंड इट्स क्लियर कि ये उसके लिए नॉर्मल डे जैसा ही था वैन अनयूजअली क्वॉंग खाओ ने एबी को ज्वाइन करा जब एबी अपने बच्चों को पिक करने जा रही थी इसके बाद जब गाड़ी में ये तीनों बैठे थे तो थोड़ा और दूर जाने के बाद एलेक्स एबी का एक्स हस्बैंड भी इन तीनों के साथ इस गाड़ी में बैठ गया था जिसके बाद एबी को सर पर किसी भारी चीज़ से चोट मारी गई थी क्योंकि रिपोर्ट्स और चाइनीज साइट्स के अकॉर्डिंग एबी के सर पर एक छेद पाया गया था जो कि बस किसी चीज़ के जोर से मारने से ही बन सकता है उसके बाद इस गाड़ी को लोंग मेसन फ्लैट की तरफ जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर कर लिया था जिसके बाद नेबर्स ने दोनों भाइयों को एक भारी चीज़ को फ्लैट के अंदर ले जाते हुए देखा था और इस फ्लैट के अंदर ख्वांग खाओ और उसकी फैमिली ने एबी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करे जब पुलिस इस अपार्टमेंट को चेक करने गए तो उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं था और यहाँ बस मारकाट का सामान था जो कि ख्वांग्स तीन हफ्ते पहले से ला रहे थे यहाँ जैसे कि मीट ग्राइंडर एक बुचर नाइफ चॉपर्स एंड एसिड जो कि अगर तुम लोगों ने मेरी श्रद्धा आफ्ताब वाली वीडियो देखी होगी तो मैं पता है ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं इट इज़ सो रेयरली सिमिलर टू दैट केस क्योंकि इसमें एक फ्रिज का और पॉट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है टॉकिंग अबाउट द फ्रिज इस घर के अंदर पुलिस को एक फ्रिज मिला जिसमें उन्हें

वैसे तो इसमें बस एक स्कल और कुछ टिश्यूज दिख रहे थे तो ये चीज़ पता कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि ये एक्चुअली में है किसका पर बाद में जब ये फॉरेंसिक के लिए भेजे गए तो एबी के डेंटल रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला दैट यस दीज डेफिनेटली बिलोंग टू एबी चॉय अपने गायब होने के सिर्फ तीन दिन बाद एबी इस हालत में मिली थी पुलिस को इसके बाद पुलिस सीधा ख्वाग को पकड़ने चले गए थे जो कि उन्हें स्काई टावर वाले फ्लैट में मिल गए थे ऑन ट्वेंटी फोर्थ फेबर एंड इन द रिपोर्ट इट इज सेट दैट एलिक्स एक बोर्ड से हांगकॉन्ग भागने की कोशिश कर रहा था पर बोर्डिंग के टाइम पर एक गार्ड ने एलेक्स को पहचान लिया और उसने इस चीज़ के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी एलेक्स और एंथनी ने मिलकर एबी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करे थे पर यह पूरा मास्टर प्लान था ख्वांग खाओ का बॉडी को काटने के बाद एंथनी ने अगली सुबह एबी के बचे हुए कपड़े पर्स फोन को पास के एक गार्बेज डंप में फेंक दिया था जिसे ढूंढने में पुलिस को पूरे दो दिन लगे थे as you can see कि ये गार्बेज डंप कितना बड़ा है दैट डिड नॉट शो एनी रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वाज फर्डिंग देयर लाइफ हु वाज सो नाइस टू देम दैट रीडिंग अबाउट हर स्टोरी एक्स माय हार्ट बट एनीवेज जब एंथनी ये सारी चीजें डंप करके वापस गया तो उसकी फैमिली फ्लैट में मूव करने के लिए रेडी थी वेर एज एंथनी स्टेड हेयर ओनली ताकि वो बची हुई एबी की बॉडी को फ्रिज में डाल सके ऑल ऑफ देम अरेस्टेड फॉर मर्डर, इंक्लूडिंग मिस पर एलेक्स एंथनी और क्वांग खुआंग के पास के चार्जेस भी पुलिस ने अब वापस रीओपन कर दिए थे जिसका ट्रायल मई में, में शुरू होगा एज फॉर दर्ड आई थिंक कि अगर इस केस में अगर कोई बहुत ही बड़ा ट्विस्ट या फिर कोई बहुत ही बड़ा क्लू नहीं आता है सो दिस इज अ वेरी क्लोज केस आफ्टर मे बट अगेन हमें अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है सो लस्सी की क्या होता है फ्यूचर में कहीं सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी लॉयर्स उन्हें ऐसे वे में दिखाते हैं दैट इट गो इन क्वांग्स बट अभी रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं टाइम्स फैमिली की तरफ से एंड क्रिस की जो मॉम है शी इज डेवस्टेटेड टू से द लीस्ट विद दिस इंसिडेंट वो बहुत ही अदर हो रही थी उस क्लिप में उन्होंने कहा कि स्टूपिड गर्ल तुमने अपनी अच्छाई एक गलत फैमिली की तरफ लगा दी है फ्राम द वे दी वॉज डिस्क्राइब्ड ए बी वॉज अ प्योर सोल इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना आई फील लाइक कि उन्हीं के साथ बुरी चीज़ें होती हैं इसीलिए उतनी ही हेल्प करनी चाहिए जितने लोग डिजर्विंग होते हैं ना कि जितना तुम दे सकते हो क्वॉंग्स ने एक परफेक्ट टेंस्ड फ्री पॉवर्टी फ्री लाइफ स्टाइल को खो दिया क्योंकि उन्हें और चाहिए था उनकी इस भूख की वजह से एक वेल well रिस्पेक्टेड हेल्पफुल मदर की लाइफ चली गई एंड विद दैट फॉर नाउ ए बी चॉय का जो केस है वो हॉल्टर है अंटिल द ट्रायल स्टार्ट बाई दिस थिंग कि आप लोग अपना प्लीज ध्यान रखें विच आई डोंट डू माई सेल्फ आई डोफ यू कैन नोटिस दिस थिंग बट आई हैव नॉट स्लेप्ड आई हैव सीरियसली नॉट स्लेप्प आई वॉन्ट टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ठीक है और जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा इट्स जस्ट कॉट सो इंटरेस्टिंग आई नो इट इज द रॉन्ग थिंग जो से किसी की लाइफ चली गई है एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी बट आई वॉज जस्ट सो क्यूरियस दट आई कैप्ट ऑन रीडिंग एंड आई डिड नॉट स्लीप बट दैट मेड मी रियलाइज की ये वी शुड ऑल टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड अगर तुम्हें तो कोई चीज़ आज बो अदर कर रही है दैन डोंट वरी अबाउट दट थिंक बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर टू मोरो वेल विद दैट सब्सक्राइब टू मी लाइक एंड शेयर एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी प्लीज़ कीप योर लव ड वेरी क्लोज टू यू एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन गाइज़ बाय बाय